बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ। ये जो आप बायनॉमियल एक्सपेंशन करते हैं ना, उसमें जो कॉफिशियंट्स होते हैं उससे रिलेटेड। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने जो है इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जिक्र किया, वो बेसिकली कॉफिशियंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। तो देखिए किस तरह से सवाल ये दिया हुआ है, वो कहता है इसको इसके बराबर प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। तो ये मैंने बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखी, जो फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर वन रख दिया। तो इसमें ये देखिए ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स है दी जा रहा है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो उसमें भी ये जो देखते हो ना, ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट का ही सामान है। लेकिन क्या ये सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट है? नो। ये चेक करते हैं, यहाँ NC1 लिखा हुआ है, NC3 लिखा हुआ है, NC5 है। तो यहाँ देखिए ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट कैसे चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ मिसिंग है, यानी ये कौन से हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ देखिए NC1 दूसरे वाला पहले आया, फिर NC3 ये वाला है, इसका मतलब 2 वाला आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, 6 वाला आएगा, 8 वाला आएगा। तो ये वो वाले, इसे फिर क्या नाम देंगे? इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट्स। क्या नाम देंगे? इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट्स। ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट्स को ऐड करके उसने क्या निकाला है? 2^12। इसका मतलब ये होगा कि अगर ऑड प्लेसेस वाले भी होंगे तो उधर भी हम किसान करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2^12। ये ऑब्जेक्टिव कई दफा पेपर में आया होगा, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर करें। अब आगे चलते हैं सवाल के लिए। तो ये हमारे बायनॉमियल एक्सपेंशन, हमने बायनॉमियल फार्मूला लिख दिया। देखो ए और बी कोई अननोन नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि A1 है और B-1 है और ये वैल्यूज इसी एक्सपेंशन, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यूज ए की जगह क्या बुक किया 1 और बी की जगह क्या बुक किया -1। तो देखिए 1-1 ये 0 है, 0 की पावर n 0 आ जाएगा, यहाँ एन सी 0, यहाँ देखिए 1 की पावर n क्या आ जाएगा 1 और -1 की पावर 0 क्या आ जाएगा 1। इसलिए मैंने यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ आ जाएगा NC1 1 की पावर n -1, 1 की जो मर्जी है पावर के आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन -1 के केस में ऐसा नहीं, -1 की पावर 1 लेंगे तो आंसर 1 नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे टर्म नेगेटिव आएगा तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे आ रही तो -1 प्लस किया क्या हो जाएगा प्लस, ये तो वैसे ही बंद हो जाएगा इसीलिए प्लस लिखा हुआ। इसी तरह इससे आगे देखिए माइनस है, उससे आगे देखिए प्लस है, और फिर एड भी करते हैं एन। यहाँ पर आप इवन लेंगे क्योंकि आपने ये प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ करने के लिए एन अगर आप इवन लेते हैं तो जो आखिरी टर्म है वो पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव। क्यों? यहाँ देखिएगा -1 वाले के साथ नेगेटिव आ रहा है, -3 वाले के साथ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आगे 5 वाले के साथ नेगेटिव आएगा, तो 1, 3, 5 वाले के साथ नेगेटिव आ रहा है, और अगली टर्म कौन सी आ रही है? NC(n-1), इसका मतलब इसको भी नेगेटिव आना चाहिए, तो उसको नेगेटिव होने के लिए n क्या होना चाहिए? इवन। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस लिखा हुआ है, और अगली टर्म जो है क्या होगी और प्लस। अब ये जो पॉजिटिव वाले ऑड प्लेसेस की, ये जो ऑड प्लेसेस वाले हैं ये इनको हम क्या करेंगे? अलग लिख देंगे, और जो बाकी है वो अलग लिख देंगे, ठीक है। उनमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो मैंने एक्स्ट्रा यहां पे मैंने C5 आता है लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको उठा के लेफ्ट में लिखिए यहां पर, तो आपके पास ये वाले टर्म देखिए लेफ्ट में ले आए, और ये एज इट इज उधर ही है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमें इससे थोड़ा सा काम आगे के लिए चलना है, देखते हैं जी। तो देखिए अभी इससे पहले जब हमने ए की जगह क्या बुक किया था 1, बी की जगह -1, एंड देन हमें ये इक्वेशन 2 मिली, ठीक है। अभी मैंने इसको मजीद देखिए कैसे सॉल्व किया, वो जो हमारी बायनॉमियल एक्सपेंशन है ये वो लिखी गई, ठीक है, इक्वेशन 1 ये नया एक्सप्रेशन है। इसमें आप ए की जगह 1 और बी की जगह 1 ले, तो ए की जगह 1 बी की जगह 1 ये यूज किया, इसका मतलब आप ए की जगह और बी की जगह 1 पुट करना और कुछ भी नहीं। अब देखो 1 की जो मर्जी है पावर का आंसर 1 दिया, इसका मतलब पहले -1 का चक्कर था, देखना पड़ना था जिधर नेगेटिव और किधर पॉजिटिव, अब ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं। तो ये इसका मतलब सिर्फ कोएफिशिएंट होते हैं, यहां इसको गौर से देखते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये क्या है? सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। अब सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास 2^2, किसी के भी आप कर लो। देखो यहां पे भी देखो ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं,
तो कितना आ रहा है 2 रेज़ टू पावर n आ गया, तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आ गया 4। जरा इसके कोएफिशिएंट चेक करें, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, हेड में कितना आता है 4। q के लिए चेक करें, इसी तरह 5 पावर के लिए चेक करें, इसी तरह 10 पावर, जिसकी मर्जी मान लिया करें, यही बात है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सवाल इस तरीके से बता देते हैं, तो ये कहीं का पता है। जो हमारा यहां पर सवाल है वो क्या है, वो इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट को ऐड, वो हमारा क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो अब देखिए आपने क्या किया, इसमें 0 2 4 और n वाले ये जो आठ प्लेसेस है उनको अलग कर लिया और जो इवन प्लेसेस है उनको अलग कर दिया। यहां पे अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, आठ प्लेसेस कोएफिशिएंट्स और इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट्स, ये हमने इसमें से अलग कर दिया। अब देखिए इक्वेशन टू, ये लिखी हुई आ रही है, मैंने इसको मिटाया नहीं है, तो ये अब आप गौर से देखो, इक्वेशन टू में ये आपके पास आ रहा है, इसको ये आठ प्लेसेस का ऑप्शन है, क्या वो ये वाले हैं आठ प्लेसेस, और ये किसके बराबर है इवन प्लेसेस, किसके बराबर है इवन, तो इसका मतलब है हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह आपने ये वाला यहां पर यूज कर दिया, चेक करें ये लिखा हुआ ठीक है। अब यहां गौर से देखिए ये वाला ये वाला दोनों आपस में सेम है या नहीं, तो a प्लस a का आंसर क्या होता है 2a, x प्लस x का आंसर क्या होता है 2x, इसका मतलब है इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसके साथ 2 लिख दूंगा। तो देखिए अभी अगले स्टेप में मैं आपको लिख रहा हूं, ये पिछले सॉल्यूशन का स्टेप था, इसमें यूज कर रहा था, इसलिए मैंने यहां पर भी छोड़ा था, तो यहां पे आ गया आपके पास 2 और ये सारा आपके पास लिखा जाएगा। और अब आप अपने क्वेश्चन को अगर देखें तो आपके क्वेश्चन में एक साइड में ये भी लिखा हुआ है जो कि इवन प्लेसेस के कोएफिशिएंट्स का सम होता है। अब जब आप इधर लाकर डिवाइड करते हो तो नीचे आएगा, जब नीचे आएगा पावर कितनी है उसकी, मान ऊपर जाकर सेपरेट करोगे तो पावर क्या आएगा एन माइनस वन। अब आप अपने क्वेश्चन को चेक करें, क्या आपकी बुक में जो दिया हुआ है इसका क्वेश्चन को यही है कि कौन सा है इवन प्लेसेस कोएफिशिएंट का सम, इसी तरह ऑड प्लेसेस का भी सवाल आ सकता है ठीक है। अब हम इससे आगे अगले क्वेश्चन